गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सी एजू हब ऑनलाइन क्लासेज, क्लास 12th, सब्जेक्ट जूलॉजी, चैप्टर 23, टॉपिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, श्वसन संबंधी रोग जो है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें एम्फाइसेमा, वात स्फीति रोग, इसमें जो कारण है किसके कारण होता है, कारण है अत्यधिक धूम्रपान करना, जैसे सिगरेट है, गुटखा है, इनका उपयोग करने से ये होता है, अत्यधिक धूम्रपान करने से ये रोग होता है। लक्षण, कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं, उनमें धूम्रपान करने से फेफड़ों में लगातार उत्तेजना बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ने से इसकी वायु कुपिकाएं जो होती है फेफड़ों की, उनमें धीरे धीरे वायु कुपिकाएं धीरे धीरे इनकी भित्ति जो होती है वो नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। और श्वसन सतह का क्षेत्रफल, इसकी भित्ति जो है जैसे वो नष्ट होगी तो श्वसन सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो कम हो जाता है। श्वसन सतह का क्षेत्रफल कम होने से जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, वो उसकी दर जो है वो कम हो जाती है। और उच्छावसन की क्रिया में प्रॉब्लम आती है, उच्छावसन की जो क्रिया है वो प्रभावित होती है। इसी के साथ में फेफड़ों के जो प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता लचीलापन बोल सकते हैं इसको, लचीलापन वो भी कम हो जाता है। इसलिए उच्छावसन की क्रिया कठिन हो जाती है। फेफड़ों में उच्छावसन की क्रिया के बाद भी वायु अधिक मात्रा में भरी रहती है, वायु की अधिक मात्रा फेफड़ों के अंदर भरी रहती है। इससे सूजन, अधिक कफ, श्वसनिकाओं के संकरा होने के कारण श्वास लेने में कठिनाई आती है। इसके बाद इसके उपाय, उपचार, कारण को हटाएंगे, यानी कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इसी के साथ एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। एक दूसरे और है इसकी दवाई के रूप में जिसका उपयोग कर सकते हैं, वो ब्रोंकोडायलेटर का उपयोग करना चाहिए। श्वसन संबंधी जितने भी रोग हैं उनके अंदर हम दो प्रकार की दवाइयों का उपयोग मुख्य रूप से करते हैं, सभी के अंदर ये कॉमन आता है। इस प्रकार से जो वात स्फीति जो रोग है वो कंप्लीट है। इसके बाद निमोनिया रोग, सेकंड जो है इसका वो निमोनिया जो रोग है वो मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु जो होता है ये फेफड़ों के अंदर संक्रमण करता है, फेफड़ों को संक्रमित कर देता है। इसके लक्षण, इस रोग के जो लक्षण होते हैं, वायु कुपिकाएं, फेफड़ों के अंदर पाए जाने वाली जो वायु कुपिकाएं होती हैं, उन वायु कुपिकाओं के अंदर जो मृत सेल्स होती हैं, इनमें से मुख्य रूप से WBC और इसके साथ में कुछ तरल पदार्थ जो होता है वो जाकर इन वायु कुपिकाओं के अंदर भर जाता है।
जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। वायु कुपिकाओं का जो क्षेत्रफल पाया जाता है या श्वसन सतह का जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है। उपाय, एज इट इज सेम रहेगा, इसमें एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं उनका और ब्रोंको डायलेटर, इनका उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से जो वातस्फीति या एम्फाइसेमा जो रोग है वो और निमोनिया जो रोग है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।